करतार सिंह संभा जो कि स्पीकर ने विधान सभा दे तस्वीर देख सकते हो कि मोर्चा जेड़ा लग्या होया ते वड्डी पद्धर दे उत्ते जेड़े सिख आगू ने जेड़े सिख नौजवान ने सिख संगत आ जेड़ी ओह पहुंच रही है तस्वीर विधानसभा दे स्पीकर करतार सिंह संधवा जेड़े इत्थे पहुंच चुके ने गलबात करन दे लई स्पीकर करतार सिंह संधवा जेड़े पहुंच गए ने गलबात करदे आ इंसाफ मोर्चे दे विच संधवा साहब साडे नाल ले गलबात करदे आ संधवा जी मोर्चे दे विच पहुंचे हो की कहना चाहुंदे हो सति श्री अकाल जी हरेक सिख दा फर्ज है जी प्रताप साहब मिले सन कहिंदे साडी सरकार तों इंसाफ दी जिहड़ी आ उह मंग दी झाग ना रखो की कहना चाहुंदे हो नहीं ऐसी गल नहीं नहीं उन्होंने यह गल कही अज नहीं ऐसी गल बिल्कुल काफी लंबे समय तों तुहाडी सरकार जिहड़ा समा मंग रही इंसाफ मोर्चे तों पर अज इन्होंने एक वड्डा इकट्ठ रखिया इन्हां दा कहना है कि जेकर इंसाफ ना मिले तां वड्डा संघर्ष विड़ांगे इंसाफ मिलेगा जी किन्ना समा लगेगा और बहुत जल्द प्रताप ने फिर यह गल क्यों कही भी साडी सरकार तो झाक ना रखो की गल है मैं मेरे ना उन्होंने ये गल नहीं पी मैंने मिलते रहते हैं बिना गल ये सन करतार सिंह संधवा जिन्हों का कहना है कि कुबे ब्रिज प्रताप साहब ये गल नहीं कह सकते पर उन्होंने गल कही है कि साडी सरकार तो कोई भी मंग ना रखो इंसाफ की इन्हों का कहना है कि जल्द जो इंसाफ वो मिलेगा की होंगी है जमाबंदी किवें बनती है वसीयत जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो